शाइस्ता लोदी एक बासलाहियत पाकिस्तानी मशहूर शख्सियत हैं जो अदाकारी और मेज़बानी समेत बहुत से हुनर जानती हैं। वो एक कामयाब प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर और एक मशहूर कारोबारी शख्सियत भी हैं। वो इंडस्ट्री में अदाकारों को जमालियाती तरीक़ाकार देने के लिए मशहूर हैं जो अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं। शाइस्ता लोदी की हालिया ड्रामा सीरियल समझौता को शायकीन ने बेहद पसंद किया। हाल ही में शाइस्ता लोदी दी टॉक शो में नजर आईं जहाँ उन्होंने नादिया खान के बारे में बात की। शाइस्ता लोदी ने इंकशाफ किया कि उन्होंने नादिया खान के बारे में ये बयान क्यों दिया कि वो इतनी मासूम नहीं है। नादिया खान से मुतलिक अपने बयान पर बात करते हुए शाइस्ता लोदी ने कहा कि ये एक वायरल वीडियो के बारे में बयान था जिसमें वो शर्मिला फारूकी की वालदा से बात कर रही थी। जाहिर है कि उनकी वालदा भी हमारी माओ की तरह मासूम और काबिल एहतराम थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, कोई इतना मासूम भी हो सकता है कि वो दूसरों का मजाक उड़ाने और संजीदा बहस करने में फ़र्क नहीं जानता। आप हमेशा तजलील और आम गुफ्तगू में फ़र्क जानते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ये क्यों कहा जाता है कि नादिया और शाइस्ता के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। शाइस्ता लोदी ने हसन चौधरी से बात करते हुए कहा कि नादिया के बारे में मेरा बयान मनफी नहीं था बल्कि उसे गलत तनाजुर में लिया गया। इसके अलावा हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं, मेज़बानों और अदाकाराओं के दरमियान हमेशा सेहतमंद पेशावराना मुकाबला होना चाहिए। दरहकीकत मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पर नादिया खान की जगह ले ली और इसी वजह से लोगों ने हमारे पेशावराना दुश्मनों के बारे में बात करना शुरू कर दी। तो मुझसे यहाँ तक कहा कि मैं दूसरे एंकर की नौकरियाँ छीन लेती हूँ। जाहिर है इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।